Welcome to Yogic and Modern Science. We have talked about in the previous episodes time, and then in two episodes we have also talked about time travel, and in one of the episodes we have also talked about what is the state of being or state of mind when there is no experience of time. Now today we'll be talking about that there is a question, and the question is that can time be stopped, or can time ever stop? Sharma ji, yogic point of view, yogic science ke hisab se samay ki gati ya samay kabhi ruk sakta hai kya kisi bhi cheez ke liye? योगिक साइंस से जो हमारा योगिक विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान, तो वो योग से ये सिद्ध होता है और ये स्पष्ट भी होता है, और ये स्पष्ट भी है ये कि ये जो टाइम है, टाइम हमारे जो हमने पहले बता चुके कि गति के अनुसार होता है, और ये स्पेस जगह बदलने में और इसकी अपनी स्थिति पर ये चलने से ही होता है, स्थिति को बदलने से ये टाइम का आभास होता है, समय का अनुभव होता है। मगर ये टाइम एक ऐसी स्थिति में जाकर के रुकता है जहाँ पर ये इसकी स्थिति, उसकी जो शक्ति है, जहाँ से ये प्रकट होता है, जहाँ ये शक्ति और शब्द और गति इसमें शुरू होती है, तो ये केंद्रित तो होती है नीचे आकर के और फिर ऊपर की ओर जाती है। तो वो जो एक स्थिति है उसकी, जो ऊपरी सतह में अपने मूल आधार के ऊपर वो जाकर के एक समय पर वो स्टॉप होता है। अगर वो स्टॉप ना हो तो गति से, क्योंकि कंटिन्यू जो गति चले तो उसमें टाइमिंग आप नहीं पता कर सकते। टाइमिंग का अनुभव जब ही आएगा जब पहले कोई चीज स्टॉप रुके, और रुकने के बाद में वो पुनः गति पकड़े, गति पकड़े तब आपको टाइमिंग का अनुभव होएगा, अनुभव ज्ञान होएगा। तो ये जो टाइम, मतलब कि वो अपनी अपनी गति पर, अपनी गति पे केंद्र बनने के बाद फिर वो अपना सिस्टम डेवलप उसका हो जाएगा, तो उससे वो टाइम आपको हर एंगल से दिखा। जैसे कि हमने ये समझाने तो या जानने है, तो हम ये कह देते हैं कि चेतन की जो चैतन्यता है, अर्थात जो सूरज है उसका जो धूप है, प्रकाश है, तो चेतन जो है, जो हम चेतन केंद्रित हो गए, और हमारे केंद्र में जब हमारी तन्मात्राएं, जैसे छूना है, चखना है, देखना है, सुनना है, और ये सब चीज़ें जो तन्मात्राएं हमारी ये हैं, ये जब हम क्रिया करती हैं तो हम उसमें टाइम को आभास करते हैं, अनुभव में लाते हैं कि देखो भाई ये यहाँ पर टाइम हमने इस तरीके से हमें आभास में आ रहा है। मगर अगर यही तन्मात्राएं अगर हमारी अस्पष्ट हो जाएं, सूक्ष्म हो जाएं, तो ये जब हम मुर्दा बन जाएं, तो हमें एक पानी में अगर हम बहने लगें खुद ही, और मुर्दा हमारा बह रहा है, तो जिस धारा में जा रहे हैं विरोध तो हो नहीं रहा, तो वहाँ पर हमारे लिए ये टाइम, वहाँ पर ये रुका हुआ दिखाई देता है कि रुक गया है। मगर उसके अंदर जो टाइमिंग चेतना का है, जो आधार का है, वो वहाँ गतिमान है, मगर बहुत स्लो गति है, वो उसमें टाइम की स्पष्टीकरण नहीं हो रहा, किसी भी एंगल से वो टाइम स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो जो छोटी बहुत स्लो गति है, स्लो गति जो अंडे की हमने आधार की बताई थी कि वहाँ भी चलते हैं, तो उसमें वहाँ स्पष्ट नहीं है, इसलिए वहाँ टाइम को पकड़ना, टाइम को देखना, टाइम को जानना, टाइम को अनुभव मिलाना, ये संभव नहीं है मुर्दे के लिए, तो संभव नहीं है, क्योंकि वो विरोध नहीं, पानी का विरोध नहीं कर रहा। अगर हम जिंदा होते और अगर हम उसका विरोध करते तो हमें टाइमिंग दिखाई देता कि देखो हम इतनी देर से विरोध कर रहे हैं, हम अभी इतनी देर से हमें किसी ने निकाला नहीं। इसका मतलब मुर्दे के लिए समय नहीं, रुक गया है। हाँ, मुर्दे समय नहीं है, नहीं, मगर जो मुर्दा पानी में बह रहा है, ठीक है, हाँ, और पानी जिस सिस्टम के अंदर है, ठीक है, उस सिस्टम का अपना समय है। हाँ, उसका समय है, उसका समय है, वो समय है। तो समय सिर्फ मुर्दे के लिए तो खत्म हुआ है, बिल्कुल उस सिस्टम का समय खत्म हुआ नहीं। हाँ हाँ, बस वो मुर्दे के लिए खत्म हुआ है, मुर्दे के लिए खत्म, उसके आधार का समय है, उसका आधार का समय है, समय है, तो आधार का समय वहां पर चल रहा है, जो किसी भी एंगल से स्पष्ट नहीं होता।
नहीं, स्पष्ट होने का उसका कोई तरीका नहीं है। मगर ये जो समय, हम जिस समय की बात की जिसको हम जानते हैं, वो हमारी उस चेतन प्रक्रिया का है जो सुप्रीमो है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, तो वो जाके अपने आधार के टॉप में रुक जाती है। इसलिए वहाँ टाइमिंग रुक जाता है, और वो टाइमिंग जब रुक जाता है तभी तो हमें ये पता चला है कि टाइम है। अगर कोई चीज रुके ही नहीं और गतिमान रहे, तो आप मुझे वो मेथड समझाओ कि उस फार्मूले से आप टाइम का ज्ञान हम कर लोगे? नहीं पता कर पाओगे। इसलिए रुकना उसका जरूरी है। मैंने उसे रुका हुआ देखा है, और चलते हुए भी मैंने उसे देखा। चलना रुकना चलता रहता है। तो हर एक केंद्र जो है कहीं भी बनता है, ऐसा नहीं कि केंद्र बनता है, तो केंद्र तो कहीं भी बनता है। केंद्र से के जरिए चेतना है, चेतना की सुप्रीमो है, उसमें दृष्टा भी है, उसमें सब कुछ है। तो सारे ये सब जो हम पहले भी बता चुके, ये सब होने के बाद भी ये चीज केंद्रित होती है, अनेकों केंद्र होते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि हमारे शरीर में हर अंडे का अपना एक ब्रह्मांड है, ये कहा गया है। तो इसलिए ये हर अंडे का अपना एक ब्रह्मांड है, तो सभी जीवों का भी अपना एक ब्रह्मांड है। तो हर जीवों का, जैसे कोई प्राणी है, कोई जीव है, कोई कुत्ता, मुर्गी, कोई भी प्राणी है, सबका अपना समय है, सबका अपना एक ब्रह्मांड है। तो वो ब्रह्मांड, वो उसको अनुभव होता है, हम उसका ब्रह्मांड हमें नहीं पता चलता है, क्योंकि हम उसकी स्थिति में नहीं है, उसकी वहां गति में नहीं है, हम अपनी दूसरी गति में। मेरा सुरक्षा कवच दूसरा है और उसका सुरक्षा कवच दूसरा छोटा है, इसलिए उसका अपना ब्रह्मांड है, तो हमारा सुरक्षा कवच हमारा अपना एक ब्रह्मांड है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मर जाता है जी, तो उसका केंद्र वहां से चला गया, उसका सिस्टम से केंद्र चला गया, वो केंद्र कहीं और बनाएगा जी, वो केंद्र कहीं और बनाएगा, चला नहीं जाता केंद्र वहां है, वही अवेलेबल है। हाँ, वो अस्पष्ट हो गया, वो उसके पीछे, जैसे शास्त्रीय कहते हैं चेतन और अचेतन, तो वो अचेतन की अवस्था हम उसे कहते हैं जो अंडे के बैक साइड में चली गई है, जहां से वो स्पष्ट हमें नहीं दिखाई दे रही है, फ्रंट में होती तो हम उसे देख लेते, तो वो अपने आधार के बैक में चला गया, अपने आधार के बैक में चला गया है वहीं, तो इसलिए अनुभव में नहीं है, इसलिए वो अनुभव में नहीं है, वहां पे अनुभव नहीं है, क्योंकि बैक में चला गया वो। जैसे वो प्रकाश में आएगा, जैसे वो सामने आएगा, गति पकड़ेगा हमारे अनुभव में आ जाएगा। तो दोनों जगह से ये जो परमात्मा की गति अगर स्टॉप होती तो हम इस चीज के ये हो गए, और जब वो नहीं स्टॉप होती, वो जो अंडे के अंदर की स्थिति है वो स्टॉप नहीं होती, जो स्लो गति है, स्लो गति कभी स्टॉप नहीं होती, वो निरंतर कंटिन्यू चली जाती, क्योंकि उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है, उसका कोई समय नहीं है। और इसका और इसी उसी की मेथड से वो भी इसी वजह से रुकता है कि देखो ये मेरा प्रकट होने वाला टाइम है और वो मेरा अप्रकट होने वाला टाइम, वहाँ भी मैं ही हूँ, उस अंडे में मैं ही हूँ, क्योंकि यहाँ मैं अगर प्लस बड़ा हूँ तो वहाँ मैं प्लस छोटा हूँ, तो यहाँ मेरा टाइमिंग है और मैं टाइम को देखो रोकता भी हूँ और चला के दिखाता हूँ, और वहाँ पर वो टाइमिंग बिना चले चल रहा है, मगर वो किसी एंगल से प्रकट नहीं है, किसी काम का नहीं, इसलिए उसे कोई टाइमिंग कहता ही नहीं, तो इसे ना हम जानते ही नहीं, मगर वो कंटिन्यू चल रहा होता, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। तो आधार के अंदर जो प्लस है, जो जीव है, वो जीव साकार निराकार होते रहे, उनका कोई टाइमिंग नहीं है और वो निरंतर चलते रहते हैं। तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस हाउ टाइम स्टॉप्स, वी कैन अंडरस्टैंड दिस फैक्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दैट there are so many countless centers of consciousness in this whole cosmos, and each center of consciousness creates its own system and it creates its own time frame or time scale. Suppose I die, then my light of consciousness becomes absent and I am not able to feel any time, means time stops for my system, but it does not stop for other systems, it does not stop for bigger systems or the system in which I exist. Likewise, in my body there are so many types of
bacterias, viruses, right? And you know, each moment so many multiple viruses and bacterias are dying, and they are taking birth and they are dying. So if a virus you know, dies, then time stops for the virus, but time does not stop for me, right? Similarly, time stops means the center is not in front of the light of consciousness. And the moment it comes in front of the light of consciousness, again it starts feeling the time, right? Time starts getting, you know, experienced. The person starts feeling the time, because the center of being is in front of the light of the consciousness. So there are so many centers in the whole cosmos. Okay, the earth also has a center. Any planet, any heavenly bodies, any, they have got a center. Okay, and due to the presence of that center, okay, there is a time for that system. Similarly, we are also a system, a kind of system, and we have a center of being. And as soon as the center of being is in front of the consciousness, there is time, right? And it stops when the center of consciousness, the center of being, is not in front of the consciousness. Consciousness becomes absent. In that moment, time stops for that system only, not for other systems. Hopefully you must have understood, you know, something of the time and how it stops. And in later episodes we will talk more about time in simpler words. Thank you.